आए दिन सामने आ रहे बैंक घोटालों की लिस्ट में अब आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी शामिल हो चुका है। इस बार विश्व की शक्तिशाली महिलाओं में शामिल होने वाली चंदा कोचर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा है। वीडियोकॉन को दिए गए 3,250 करोड़ रुपए के लोन मामले में आईसीआईसीआई बैंक से लेकर सीईओ चंदा कोचर की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन चंदा कोचर के लिए राहत की बात यह है कि बैंक के चेयरमैन एमके शर्मा ने बचाव करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सच है कि वीडियोकॉन को लोन मंजूरी करने वाली कमेटी में चंदा कोचर शामिल थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने पद का फायदा उठाया है। वो इस कमेटी की अध्यक्ष नहीं थी।